अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पाक 301 का जो आपका आज पेपर हुआ है उसके बारे में आपको शेयर करूंगा। ये स्टूडेंट ने पेपर शेयर किए थे, 3-4 स्टूडेंट उन्होंने पेपर शेयर किए थे। तो लेट्स मैं आपको बताता हूं कि क्या था आज के पेपर में आपके। तो पाक 301 के 2 MCQs ईजी थे। तो वाई डिड 2 MCQs ईजी थे, ये इसने क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ईजी आई थिंक इसने लिखना था। Why did Sir Syed Ahmed Khan visit England in 1969? तो Sir Syed Ahmed Khan ने ये जो विज़िट है ये क्यों किया था। और नेक्स्ट था आपके पास, विच ईयर Sir Syed visit England? तो Sir Syed ने किस साल ये विज़िट किया था। तो ये आपके पास फर्स्ट चार्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके पास एक स्टूडेंट है, उसने ये पेपर शेयर किया था कि आई डन माई पाक 301 पेपर टूडे, मैंने आज अपना पेपर रन किया है। लॉन्ग क्वेश्चन था आपके पास, इन लिस्ट 5 एक्ट्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट्स जो थे ना वो इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, आपने वो जो 5 एक्ट्स थे उनके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, डू यू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन इस्लाम, क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम पर बेस करती है, आपने वैलिड पॉइंट्स देने थे 5। उसके बाद हाउ मैनी सीट्स कांग्रेस वॉन इन 1937, तो 1937 में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी। और उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन था, राइट 3 रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग इन वायलेंस ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट, तो आपने वजह बतानी थी कि खिलाफत की मूवमेंट की जो वायलेंस हुई थी उसमें इजाफा किस चीज़ के लिए हुआ था, यानी कि उसमें इजाफा क्यों हुआ था, उसकी आगाही में शौर में इजाफा क्यों हुआ था। ये आपके पास दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास था, एक स्टूडेंट रहा है उसने बताया था कि 8 बजे का ये पेपर है, एमसीक्यू सारे ही हैंडआउट से आए थे और पास्ट पेपर से रिपीटेड भी थे सम क्वेश्चन। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपके लिए एक फ़ाइल जो है जुनेद फ़ाइल, आपने इसको लाजमी तौर पर पढ़ना है क्योंकि इसमें से अक्सर फ़ाइल आपके पेपर आपका बहुत ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर उसमें क्या है कि डेट्स पूछी गई थी, सब्जेक्टिव में था कि लखनऊ के 3 पॉइंट आपने बताने थे। और इसके बाद वट अबाउट यू नो अबाउट शरीफ रिपोर्ट, शरीफ की रिपोर्ट 1939 की जो थी आपने उसके बारे में बताना था। द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू स्टेट, जब कोई नई रियासत बनती है तो उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपने लॉन्ग क्वेश्चन बताना था कि राइट अ नोट ऑन चौधरी रहमत अली लाइफ, तो चौधरी रहमत अली खान की आपने जो लाइफ थी ना उन पर आपने नोट लिखना था एक लॉन्ग पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक स्टूडेंट, उसने ये शेयर किया है कि MCQs बहुत ज़्यादा इजी थे, लो क्वेश्चन वही था जो ऊपर उसने शेयर किया है। तो ये आई थिंक वही स्टूडेंट है जिसने ये ऊपर पे पेपर शेयर किया है, ये वही वाला है। तो ये गाइज आपके पास है, लेकिन मैं आपको MCQs के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जुनेद फाइल, इसको आपने लाजमी तौर पर रीड करना है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।